बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बना रहे हैं शनवारी मटन कढ़ाई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। मैंने 750 ग्राम मटन लिए, 5 टमाटर, 5 सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, थोड़ी सी अदरक लेके इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिए हैं, 3/4 कप ऑयल, नमक हसबे ज़ायका, 1.5 टी स्पून कूटी हुई काली मिर्च, 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, ऑयल गर्म हो गया, इसमें मटन डालेंगे। लहसुन का पेस्ट डालेंगे, मटन का पानी फ्राई होने तक इसको अच्छी तरह भून लेंगे। मटन का कलर भी चेंज हो गया और इसका अपना पानी भी फ्राई हो गया है। चूल्हे को कम कर देंगे, इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। इसमें टमाटर रख देंगे, इसे ढाँक देते हैं 6 से 7 मिनट के लिए। 7 मिनट गुजर गए हैं, टमाटरों को चेक कर लेते हैं, इनका छिलका उतार लेते हैं। चूल्हे को मीडियम कर देते हैं और इनको मैश कर लेते हैं। नमक डालेंगे, काली मिर्च, इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। चूल्हे को कम कर देते हैं और इसे ढाँक देते हैं 25 से 30 मिनट के लिए। बीच में 1-2 दफ़ा चेक कर लेंगे। मटन को मैंने चेक कर लिया है, ये गल के है। अब हम चूल्हा फुल कर देते हैं और इसको ऑयल अलहदा होने तक भून लेंगे। मटन को मैंने इतना भूना है कि ऑयल अलहदा नज़र आना शुरू हो गया है। अब इसमें धनिया डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें, अदरक, इनको मिक्स करेंगे। चूल्हा बंद कर देते हैं, इसे ढाँप देते हैं और 2 मिनट के बाद डिश आउट कर लेंगे। शनवारी मटन कढ़ाई तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।